क्या कर रही है? अपना नाश्ता कर रही है? चाकू तो सीधा रखो मुन्ना, उल्टा रखा हुआ है आपने। हाँ भैया चलो खाओ। अब जन्ना का पी रही है? गला खराब है तेना? कल हो जाए गला खराब है, खाट है। तो गाइस आज हम लोग ने ली थी बाहर से इफ्तारी साड़ी। तो यहाँ पे देखो कितने हम लोग गए हुए थे बेकरी पे, और बेकरी के बाहर जो हमारे पास थे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे चीज़ों के, तो हम लोग वहाँ से ले रहे थे रोल, समोसा, पकोड़े, जो हमारा डेली होता है। तो हमने सोचा बता पहले से कि एक दिन हम बाहर इफ्तारी करेंगे, तो आज 17th रोज़ है, तो आज हम बाहर की इफ्तारी करें। आप जन्नत को देखो, जन्नत कह रही है ये ले लो मैं खाती हूँ। मेरी मम्मा कह रही है तो थोड़ा कड़क हो रहा है, इसको हम गर्म करवा देते। फिर जो नए बन के आए थे हमने वो लिए थे। यहाँ पे देखो जन्नत यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं इसको दिखा रही हूँ अभी। और यहाँ पे ये हमारे पैक हो रहे हैं समोसे, रोल, और ये इसमें कोई एक चीज़ समोसा भी था, इतना मज़े का समोसा था वो, इतना अच्छा लग रहा था हमें। और अभी हम भी ले लिए हैं ये रोल, और यहाँ पे देखो ये बेकरी है, ये अम्मी ने अभी ये समोसे आए हैं नए, तो अम्मी यहाँ से लेंगी अब समोसे ये सब। ये नए अभी आ रहे हैं मतलब पक पक के ना वहाँ चूल्हे से बन बन के आ रहे हैं। देखो ये आलू के मेरे फेवरेट आलू के समोसे हैं ये। और आगे आप यहाँ देख सकते हो सब, मतलब इतना अच्छा था, इतना मज़े का लग रहा था। लेकिन और यहाँ पे दो बच्चे जा रहे थे, वो लोग कह रहे थे हमें खाना दे दो, तो हम लोगों ने उनको एक समोसा एक पकोड़ा, मतलब दो समोसे दो पकोड़े दिला दिए थे। अभी वो चले गए और हम लोग भी अब बेकरी के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते हैं, देखो 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 अंदर जाने जन्नत जैसे थमक के जा रही है। जन्नत को वही अपनी जो है चॉकलेट मिल गई है, वो उसकी ज़िद कर जा रही थी। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, भूख लग रही है देख के। और जन्नत जा रही है बता कह रही है मुझे चॉकलेट चाहिए, ये है वो है, उसको सब चाहिए, मतलब उसको चॉकलेट चाहिए। जन्नत मुझे धमकियाँ दे रही थी सर, कहती थी अगर नहीं ले लाओगी ना तो मैं अम्मी को बोल के ना तो मैं पुलिस मतलब बहुत बोल रही थी कि पुलिस में डलवा दूंगी, जेल में डलवा दूंगी मतलब। तो हेलो गाइस, अभी आज का व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गया है, और अभी मैं इंट्रो कर रही हूँ। अभी हम गए थे बाहर जैसे कि आपने देखा होगा, और इंट्रो करने का भी टाइम अब मिला है। सुबह से 6:30 हो रहा होगा है ना, 6:11 हो रहे हैं। और जो है नहीं आ रही, और जो है हमारा अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बाहर से इफ्तारी। तो गाइस अभी हम सर्च कर रहे हैं, आप देखो शान रमज़ान लाइव, हम इसी को देखते हैं लेकिन ये आते ही नहीं है यहाँ यूट्यूब पे। तो गाइस आज हमारी सारी इफ्तारी बाहर की, जैसे ये छोले भी बाहर के हैं, ये सब बाहर के आप देख सकते हैं। जलेबियाँ भी आ गई हैं, ये भी हमारे घर की हैं, घर की कह रही हूँ बाहर की हैं। ऐसे यहाँ आलू के पकोड़े आ गए, दही बड़े भी आ गए, जो कि सब बाहर का है। आपको आलू के पकोड़े दिखाती हूँ, ये आलू के इस तरीके से कुछ पकोड़े, जैसे हमारे होते हैं उससे तो बहुत ही अलग हैं ये पकोड़े यार। हमारे थोड़े लाइट इससे ऐसे कलर के होते हैं, सबके मैंने कहा ऐसे कलर के होते हैं। यहाँ पर ये दही बड़े हैं, ये पानी पिए जा रही है यहाँ पे, हमें भूख भी खा रही है। यहाँ पे ये पेस्ट्री है, और यहाँ पे ये कप में है जो सब हमें चलो चटनी रखते हैं हम। अब तो बस ये है आज की हमारी इफ्तारी। आज हम लोगों ने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है, आप हमारी इफ्तारी देखो, ये है हम लोगों की आज की इफ्तारी। और यहाँ पे मुस्फा रोज़ की तरह इफ्तारी के 2-3 मिनट पहले उठ कर आया था मुस्फा, और वो उसके बाल आप देखो कितने फटे हुए हो रहे, बम फटा हुआ ऐसा लग रहा है। जन्नत यहाँ पे दुआ मांग रही है।
यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग नमाज, मैं जन्नत मुसवा हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। देखो जन्नत कितने मज़े से नमाज पढ़ती है, उसको स्टेप्स याद है मगर वो उसको पढ़ने नहीं आती है, सिर्फ वो पहला कलमा पढ़ती है नमाज में। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मुस्तफ़ा ये नमाज पढ़ रहा है। आप देखो जन्नत अभी तक सजदे में नहीं, उसको बस थोड़ा सा ही याद है कि इधर जाते हैं इधर जाते हैं, बस उसको यही पता है और ज़्यादा उसको नहीं पता क्योंकि वो छोटी है अभी। हम उसको सिखा रहे हैं अभी नमाज पढ़ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नमाज और देखो यहाँ पे जन्नत आ गई। जन्नत देखो नमाज में देख रही है इधर, शर्म नहीं आती। गाइस आज का आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।